ओके तो अब हमारे पास ये प्रोग्राम रेडी है। रेडी मतलब बेसिक लिखा हुआ है, हमें जो चीज़ें रिपीट करनी है, हमें एक्चुअली मैसेज इनपुट कराना है यूज़र से, और वो मैसेज कितनी बार प्रिंट होना है हम ये इनपुट कराएंगे, और उसको स्टोर कर लिया हमने वेरिएबल नंबर में, और उसके बाद हम ये प्रिंट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये सिर्फ एक बार प्रिंट करेगा क्योंकि एक ही बार प्रिंट अप लिखा हुआ है, राइट। तो इसमें अगर हम सबसे पहले देखते हैं कि एक लिमिटेशन है शुरुआत में, वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे उसे ठीक करना है, कि ये जो मैसेज हम इनपुट कराएंगे यूज़र से उसमें कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाद में हम देखेंगे कैसे इस चीज़ को ओवरकम किया जा सकता है। और नेक्स्ट इज नंबर, हमने इनपुट करा लिया, कितने बार इनपुट कराना है। ओके, अब क्या करना है, अब इसको एक बार हम रन करके देखते हैं। लूप डॉट सी, ओके। तो ओके, ये हमसे पूछ रहा है मैसेज, हमने डाला हेलो, नंबर ऑफ टाइम्स 3, बट ये प्रिंट सिर्फ एक बार करता है, क्लियर। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट अब हमें जो हमने लॉजिक पहले देखा था कि क्या होना चाहिए, एक्चुअली ये प्रिंट बार बार प्रिंट होना चाहिए, ये चीज़ बार बार रिपीट होनी चाहिए। तो रिपीट करने के लिए सबसे बेसिक जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या पुराने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो कंस्ट्रक्ट था, जो टूल हमें दिया गया था, वो था गो टू एंड लेबल। मतलब इसे मैं एक लेबल दे दूंगा, फॉर एग्जाम्पल इसे मैंने एक लेबल दे दिया रिपीट, RPT या जो भी नाम देना है वो हमने दे दिया, उसके आगे कोलन लगाया। तो ये चीज़ इस ये इसका बेसिक मतलब ये है कि इस लाइन को हमने एक लेबल दे दिया, नाउ वी नो दिस लाइन बाय अ लेबल कॉल्ड RPT। अब ये करने के बाद हमें क्या करना है, हमें वापस प्रिंट करने के बाद वापस प्रिंट करना है, तो गो टू RPT, क्लियर है। अब एक बार इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। सेम मैसेज, नंबर ऑफ टाइम्स 4। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, वो हेलो बार बार प्रिंट हो रहा है, वो रुक नहीं रहा, राइट। क्यों नहीं रुक रहा, क्योंकि कब रुकना है ये हमने इसे बताया। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसे बताओ कि कब रुकना है, राइट। तो उसके लिए हमें क्या है, कुछ मॉनिटर करना पड़ेगा कि कितनी बार प्रिंट हुआ, क्या प्रिंट हुआ, वो नहीं कितनी बार प्रिंट हुआ। तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल या एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होना चाहिए। तो उसी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के लिए हमने यहाँ पे काउंटर नाम का वेरिएबल लिया है। तो मैं क्या करूँगा, इसे उस काउंटर को यहाँ पे शुरुआत में सपोज मैंने 1 इनिशियलाइज कर दिया, अगेन ये वेरिएबल है इसका नाम कुछ भी याद रखो, तो काउंटर को 1 इनिशियलाइज कर दिया। प्रिंट करने से पहले मैं चेक कर लूँगा कि, या रिपीट करने से पहले मैं चेक कर लूँगा, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, ठीक। तो ये एक बार प्रिंट होने से पहले मैं यहाँ पे एक बार चेक डाल देता हूँ कि इफ काउंटर इज लेस देन और इक्वल टू नंबर, इसके बाद हमें प्रिंट कराना है, अगर ऐसा है तभी आप इसे प्रिंट करो, राइट। तो जो भी चीज रिपीट करनी है वो तो इसके अंदर आ गया। तो जब ये हमारा मैकेनिज्म, काउंटर मैकेनिज्म या सॉरी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म देखता है कि जो चीज कंडीशन हमारी है वो कंडीशन ट्रू है या नहीं है, तो वो कंडीशन अगर ट्रू है तभी ये चीज प्रिंट होगी, या जो भी टास्क हमें रिपीटेशन में करना है वो चीज रिपीटेडली होगी, राइट। अभी भी हमने यहाँ पे गो टू RPT कर दिया, लेकिन अब RPT अभी यहाँ डाले प्रिंट में डाले या यहाँ इसके आगे डाले, यानी जो लेबल जहाँ से चीज़ रिपीट होनी है वो हम कौन से स्टेटमेंट में डालें। तो ऑब्वियसली हमें अगली बार प्रिंट करने से पहले भी एक बार चेक करना पड़ेगा कि जो हम प्रिंट करने जा रहे हैं वो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए अब जो ये लेबल है वो मैं यहाँ डालता हूँ, राइट। तो अब लेबल वहाँ चला गया, लेबल जहाँ से रिपीटेशन होनी है, तो हर रिपीटेशन में ये चीज़ चेक होगी। अब सेम प्रोग्राम को एक बार रन करके देखा जाए। सपोज 5 बार, अभी भी ये हम देख रहे हैं यहाँ पे कि बार बार यहाँ, राइट। तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, 5 बार में ये रुका नहीं,
तो अब क्या प्रॉब्लम आई? ओके नाउ लेट्स सी। तो पिछली बार भी यही प्रॉब्लम थी, उसको हमने किसी तरह से सॉल्व किया। अब प्रॉब्लम आ रही है कि अभी भी ये इनफाइनाइटली उस चीज़ को प्रिंट किया जा रहा है। तो अभी से देखो, काउंटर तो हमेशा लेस देन नंबर ही रहेगा। क्या काउंटर को हमने कहीं अपडेट करा है? आपका एक मैकेनिज्म आपने बनाया कि हम मॉनिटर करेंगे कि कितनी बार ये रिपीटेशन में कोई काम हो रही है, उसको मॉनिटर करना है। तो और मॉनिटर करने के लिए आपने बोला कि ये वेरिएबल है, इस चीज़ को मैं चेक करूँगा कि ये हमेशा नंबर से कम रहे, तभी ये चीज़ रिपीटेशन में, ये टास्क रिपीटेशन में हो, अदरवाइज ये नहीं। तो उससे पहले हमें कहीं तो इस चीज़ को अपडेट करना पड़ेगा। तो वो अपडेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो वो अपडेशन अब यहाँ पे करते हैं। क्या करते हैं ये कि अगर आपका काउंटर करेक्ट था, रेंज में था, आपने उसे प्रिंट कर दिया, अब उसके बाद क्या करना है? उस चीज़ को, काउंटर को भी आप अपडेट करोगे। सो दैट इज कि काउंटर को हमने डाल दिया और इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करा दी बाय 1। ठीक है, तो अब प्रिंट करेगा और उसी समय वो काउंटर की वैल्यू भी अपडेट कर देगा, जो कि ज़रूरी है। अभी तक वही अपडेट नहीं हो रहा था। तो एक बार फिर ओके तो इस बार वापस ये जैसा हमें दिख रहा है कि अभी फिर से ये सही नहीं हुआ। तो अब क्या इश्यू है? अब क्यों ये सही नहीं हो रहा है, या अब क्या प्रॉब्लम इसमें आई? अब हम ये एनालाइज करते हैं। ओके तो इस बार कोई एक्चुअली यहाँ पे हमने काउंटर इक्वल टू लिखा था, राइट? ओके सो होपफुली इस बार ये रन हो जाना चाहिए बिना किसी प्रॉब्लम के। अब प्रॉब्लम ये आई कि इसने प्रिंट तो कर दिया, लेकिन ये सिर्फ 4 बार प्रिंट हुआ। और जैसा कि तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, ये प्रोग्राम अभी भी एग्जीक्यूशन इसका ख़त्म नहीं हुआ है, राइट? तो ये चीज़, नेक्स्ट चीज़ जो हमें देखना है वो ये कि अब ये यहाँ पे एग्जीक्यूशन इसका ख़त्म क्यों नहीं है, राइट? तो अब ये अभी भी ये एक इनफिनाइट लूप में ही था, मतलब ये कंटिन्यूअसली कुछ कर रहा है एक्चुअली। तो ध्यान से देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। हमने एक कंडीशन डाली, कंडीशन में काउंटर लेस देन नंबर था, तब हमने क्या करा? हमने इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है? और फिर काउंटर इज इक्वल्स टू काउंटर प्लस 1, यानी कि काउंटर को हमने, जो हमारा मैकेनिज्म था मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, उसके थ्रू हमने इसे अपडेट किया। और वहाँ जो रिपीट लेवल पे जाना है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी कंडीशन। समझ में आ रही बात? यहाँ पे कोई चेक नहीं है कि आप रिपीट पे कब जाओ, हमेशा जाना। तो हमने जो चेक डाला वो अभी तक इस पे डाला कि प्रिंट पे चेक डाला कि प्रिंट करना है या नहीं, हमने उसमें कंडीशन डाला। हमने ये नहीं डाला कि रिपीटेशन रोकें या नहीं रोकें, यानी जो कंट्रोल आपका इस गो टू आरपीटी, यानी कि इस लाइन से जो कंट्रोल यहाँ पे जा रहा है वो अनकंडीशनल जा रहा है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो उसके लिए भी कंडीशन होना चाहिए। तो एक तो मैं या तो ऐसा डाल सकता हूँ, सिंपल, क्या मिसिंग था? एल्स पार्ट वॉज मिसिंग कि कब आप ऊपर ना जाओ। तो अब एल्स डाल दिया, मतलब अगर काउंटर लेस देन नंबर या इक्वल टू नंबर नहीं है तो फिर ये गो टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, राइट? तो नेक्स्ट, लेट्स गिव इट अ ट्राई। ओके अब क्या हुआ? अब ये सिर्फ एक बार प्रिंट हुआ और अब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रुक गया सिर्फ एक बार प्रिंट करके। उसका क्या रीजन हो सकता है? ये सब जो अभी हम देख रहे हैं, ये सारे के सारे लॉजिकल इश्यूज हैं आपके प्रोग्राम में, और ये आएंगे और ये आने चाहिए शुरुआत में, ठीक है? तो ये तुम्हें, जब तुम खुद लिखोगे, अगर तुमने बुक से लिख के प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो यू विल नेवर फेस दिस इश्यूज।
और इन इश्यूज़ को शुरुआत में फेस करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हम प्रोग्रामिंग तो सीख लेंगे, मतलब ग्रामर सीख लेंगे, उस ग्रामर का यूज़ करके, उस सिंटैक्स का यूज़ करके कैसे बेटर प्रोग्राम लिखा जा सकता है और कैसे किसी प्रोग्राम में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, हम वो नहीं सीख पाए। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल यू मेक मिस्टेक्स इन द बिगिनिंग, राइट। अब क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? प्रॉब्लम ये है कि पहली बार जब इसने प्रिंट किया तो काउंटर वॉज लेस देन इक्वल टू नम, एक था, वन वॉज लेस देन इक्वल टू 5, इसने प्रिंट किया, एल्स पार्ट में ये गया ही नहीं। जब वो ट्रू होगा तो एल्स में क्यों जाए? समझ में आ गया? तो इसीलिए अब क्या समझ में आता है लास्ट, ये जो गो टू स्टेटमेंट है ये इसकी जगह असली कहाँ है? इसकी असली जगह है ये, क्लियर है? अब एक बार और कंपाइल। अभी तक देखा होगा तुमने कि कभी भी हमें कंपाइलेशन में इश्यू नहीं आई, कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं आया, रन करते टाइम भी कोई एरर नहीं आया। एरर मतलब जो चीज़ रिपोर्ट की जाती है, ठीक है? यहाँ पे कुछ भी रिपोर्टिंग नहीं हुई है, प्रोग्राम अच्छे से रन हो गया, कंप्लीट हो गया, हमें रिजल्ट सही नहीं लगा या रिजल्ट सही नहीं था, राइट, या एज पर एक्सपेक्टेशन रिजल्ट नहीं था। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं बग्स, और बग्स जनरली ऐसे आते हैं, इस टाइप के प्रोग्राम्स में आते हैं जहाँ पे आपको चीज़ें रिपीटेशन में करनी है, आपको बेस्ड ऑन कंडीशंस कुछ डिसीशंस लेने हैं, सीधा सीधा प्रोग्राम लिखने में ज़्यादा बग्स नहीं आएंगे, बग्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। और उसको डिबग करना, उसको उन बग्स को एनालाइज करना, उस बग्स से प्रोग्राम को फ्री करना, दैट इज़ वॉट डिबगिंग इज, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लाइफ का एज अ प्रोग्रामर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रोग्रामर्स ऑफ अ प्रोग्रामर्स लाइफ, राइट। तो हमें 5 बार प्रिंट करना था, 5 बार यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि हमें कितनी मशक्कत करनी पड़ी इस चीज़ के लिए, छोटी सी चीज़ कि आपको 5 बार प्रिंट करना है ये मैसेज जो कि आपने यूज़र से लिया था। तो अब इस चीज़ का कोई साधारण सा, कोई सिंपल सा हो सोल्यूशन तो अच्छी बात है। हमने ऑलरेडी देख रखा है यहाँ पे कि वी हैव थ्री पार्ट्स और थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स विच वी हैव टू टेक केयर, दैट इज यहाँ पे जो लिखा हुआ है, राइट, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेट। तो हम ये ऑलरेडी प्रोग्राम में अपने देख चुके हैं, दिस थ्री पार्ट्स वी हैव ऑलरेडी सीन इन आर प्रोग्राम। कहाँ इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन हो रहा है? ये दिस इज इनिशियलाइजेशन, दिस इज़ दैट कंडीशन जो मॉनिटरिंग कंडीशन है, और ये रहा वो अपडेट। तो ये तीन पार्ट तो हर आपके जो भी प्रोग्राम है जिसमें कोई भी चीज़ रिपीट मोड में करना है तो उसमें ये तीन चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, इफ़ नॉट ज़रूरी दे आर इम्पॉर्टेंट, राइट। आपका कोई कंडीशन ऐसा है, कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसमें आप किसी एक पार्ट को स्किप कर सकते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो करना तो आप उसमें कर सकते हो, राइट, अगर सिचुएशन ऐसी है तो। ओके, तो नेक्स्ट हम क्या करें? नेक्स्ट हमें इसी चीज़ का कोई एक इजी और कोई सिंपल ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, तो है, राइट। ये जो रिपीट है इस चीज़ को हम हटाते हैं, ये जो गो टू है यानी कि हमने गो टू और लेबल को हटा दिया, राइट, बट और चीज़ें नहीं हटा सकते, इसे नहीं हटा सकते, जो काम करना है रिपीटेशन में उसे नहीं हटा सकते, हमारा जो अपडेशन पार्ट है मॉनिटरिंग वेरिएबल्स का उसे नहीं हटा सकते, और नेक्स्ट जो कंडीशन है हम उसे नहीं हटा सकते, तीन चीज़ें तो आप नहीं हटा सकते, जो ज़रूरी चीज़ें वो यहाँ पे हैं। अब क्या होना चाहिए? अब इंग्लिश में आप इसी चीज़ को कैसे बोलते हो कि जब तक काउंटर नंबर से छोटा है, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोल रहे हो? वाइल काउंटर इज लेस देन इक्वल टू नम, क्लियर है? क्या यूज़ किया वर्ड हमने, टर्म हमने? वाइल। तो सी में भी वो कंस्ट्रक्ट हमारे पास है, वो टूल हमारे पास है, उस टूल का नाम है वाइल। तो जब तक काउंटर लेस देन नंबर है तब तक आप प्रिंट करो, उसके बाद काउंटर को इंक्रीमेंट कर दो, दैट्स ऑल। हमारा प्रोग्राम जो पहले थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, कुछ इश्यूज जो जो हमें नॉर्मली आती हैं, एक्चुअली क्यों हमने ये तीन चीज़ें डाली प्रोग्राम में और कौन सी चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए, इस चीज़ के लिए हमने पिछला एक्सरसाइज किया गो टू और लेबल का। नाउ
नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इवन इफ इट सपोर्ट्स इवन देन वी डोंट यूज गो टू एनेबल बिकॉज इट इज कंफ्यूजिंग, इट इज एरर प्रोन, राइट, बग्स प्रोन, मतलब आप लिखो और उसमें बग्स आ सकते हैं, हमने लाइव देखा है यहाँ पे, एग्जाम्पल्स करके देखे हैं, राइट। तो बस इतना सा एक बार इसको रन करके देखें कि ये होता है या नहीं, कोई एरर नहीं कंपाइलेशन में। सपोज इस बार मुझे हेलो जो है वो 4 टाइम्स प्रिंट करना है, 4 टाइम्स प्रिंट करता है, तो एग्जैक्टली सेम चीज़ हमने करी, लेकिन इस बार हमने गो टू और लेबल का यूज़ नहीं किया, इंस्टेड हमने यूज़ किया वाइल का, क्लियर है। तो ये एक तरीका है इस प्रोग्राम को करने का, किसी भी वाइल के आगे हमें क्या करना है, कंडीशन लिखना, राइट। हिंदी में कैसे बोलोगे, जब तक कि एक पर्टिकुलर कंडीशन एग्जिस्ट करती है तब तक एक पर्टिकुलर काम या एक पर्टिकुलर टास्क होते रहना चाहिए, ठीक। और ऑब्वियसली हर बार टास्क करके एटलीस्ट वो कंडीशन को तो अपडेट कर दो, मतलब जो हमारा काउंटर है उसे अपडेट कर देते हैं, तो ये सारा का सारा इस कर्ली ब्रैकेट में आएगा, दूसरी तो रिपीट होनी है इस कर्ली ब्रैकेट में आएगा, वाइल के बाद एक ब्रैकेट आएगा जिसमें कि हम कंडीशन डालेंगे जस्ट लाइक इसमें डालते थे। दिस इज हाउ दिस प्रोग्राम विल बी डन। अब इस प्रोग्राम में क्या है कि ये तीन चीज़ें जो है, वन दैट इज इनिशियलाइजेशन, टू दैट इज कंडीशन, एंड थ्री दैट इज योर अपडेट ऑफ द काउंटर वेरिएबल और अपडेट। ये जो तीन चीज़ें हैं ये तीन अलग अलग जगह पे हैं, इसी चीज़ को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, एक सिंपल तरीके से लिखने का सोचते हैं और इन तीनों को एक इकट्ठा लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर। तो वो जो कंस्ट्रक्ट या टूल हमें दिया गया दैट इज कॉल्ड फॉर, इसको हम फॉर लूप बोलते हैं, पिछले वाले को हम वाइल लूप बोलते थे, इन सब जब भी रिपीटेशन में कोई काम होता है तो उसे हम इंग्लिश में भी लूप बोलते हैं और सी लैंग्वेज में भी लूप बोलते हैं। तो फॉर, अब इसके तीन पार्ट हैं, जो तीन चीज़ें अलग अलग थी उसी को हमने यहाँ पे एक ही साथ लिखने का सोचा है। तो सबसे पहले तो ये कि अब काउंटर इक्वल टू वन जो इनिशियलाइजेशन पार्ट है उसको यहाँ से उठाया और फॉर के अंदर डाल दिया और सेमी कॉलन डाल दिया, सेमी कॉलन का मतलब कि एक पार्ट खत्म, इनिशियलाइजेशन पार्ट इज ओवर, देन दिस कंडीशन पार्ट, इसके आगे क्या, एक और सेमी कॉलन, क्यों, अब कंडीशन पार्ट इज ओवर, उसके बाद क्या बचता है, द अपडेट पार्ट, अपडेट कहाँ हो रहा है ये, तो इसको भी उठा के यहाँ से कहाँ ले जाओ, ठीक है, इसके आगे कोलन डालने की जरूरत, सेमी कोलन डालने की जरूरत नहीं। ओके, तो अब कुछ अलग नहीं हुआ है, मतलब जो बेसिक्स हैं अभी भी है, दैट इज थ्री पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम ऑफ दिस लूप, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन। तो ये तीन चीज़ें अभी भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं, बस हमने उसको एक ही लाइन में लिखा, वाइल में गया था वो अलग अलग जगह पे था, एक चीज़ वाइल के बाहर थी, एक चीज़ कंडीशन वाइल के साथ थी, और जो अपडेट है वो हम अलग जगह कर रहे हैं। तो अब इस ऐसा क्यों किया गया, ऑब्वियसली कि आपको एज अ प्रोग्रामर आपके पास तीनों चीज़ें एक ही जगह हैं, तीनों चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू डोंट मिस इट, राइट, कि चांसेस ऑफ मिसिंग इट इसको हमने किसी तरह से कम करने की कोशिश की, करेक्ट। सो नाउ यू हैव दिस एंड ओके, एक बार रन करके देख लें पहले। राइट, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स इसने प्रिंट कर दिया। सो ये दो चीज़ें हो गई, तो ये दो तरीके हैं हमें कोई भी काम रिपीटेशन में करने का, वाइल और फॉर लूप, जो भी पसंद आए हम वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसका यूज़ कुछ प्रॉपर कुछ और काम करने के लिए करते हैं। तो नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा जिसमें मुझे कुछ नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करना है। नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करना मतलब जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर्स हो, मतलब कंप्लीट हो, उसमें कोई फ्रैक्शन नहीं हो, और वो 1 से स्टार्ट होता है, तो दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले इसमें भी हम नंबर ही एंटर करा लेते हैं कि भाई आपको रुकना कहाँ है, क्लियर। राइट, तो सबसे पहले हमने ये नंबर एंटर करा लिया और इससे मालूम पड़ गया कि हमें कहाँ तक प्रिंट करना है नंबर,
अब हमें प्रिंट क्या करना है, हमें प्रिंट करना है नंबर्स फ्रॉम 1 to num। तो सबसे पहले तो प्रिंट इफेक्ट होगा जो कि बार बार रिपीट होगा, होगा पहले काम करते हैं इसको वाइल से। तो पहले एक काउंटर होना चाहिए हमारे पास, तो काउंट या काउंटर या जो भी वेरिएबल ले लो, सपोज काउंटर ले लिया, इनिशियलाइज किया इस काउंटर को 1 से। उसके बाद अब क्या करेंगे, वाइल काउंटर इज लेस देन इक्वल टू नम, तब तक क्या करना है, तब तक हमें एक ही काम करना है, उस नंबर को प्रिंट करना है। तो प्रिंट परसेंट डी, अच्छा नंबर प्रिंट करें या काउंटर, तो चीज क्या चेंज करने जा रहे हैं, काउंटर नंबर तो वही रहेगा हमेशा, दैट इज एनी वन, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे, उसको नहीं छेड़ते। क्या करें हम यहाँ पे, प्रिंट परसेंट डी काउंटर डन, और उसके बाद क्या हो, ये काउंटर अपडेट हो। सो काउंटर इज इक्वल्स टू काउंटर प्लस 1, कितने से हो, 1 से, क्योंकि हमें हर एक नंबर प्रिंट करना है इसीलिए, राइट। तो अब ये प्रोग्राम से हमें फटाफट करने हैं, जीसीसी कंपाइल्ड, ओके नंबर इनपुट करने के लिए बोल रहा है, सपोज हमने डाला 12, 1 2 3 4, 1 से लेके 12 तक इसने प्रिंट कर दिया, राइट। सो वी गॉट आर आउटपुट एज पर आर एक्सपेक्टेशंस, मिल गया। अब इसी प्रोग्राम को हम फॉर से भी कर सकते हैं, करेंगे हम। और फॉर में करने में क्या है, इस फाइल को किससे रिप्लेस करो, फॉर से। उसके बाद क्या था हमारा, ये कंडीशन सॉरी ये इनिशियलाइजेशन था, इसको उठाया, इसको उस फॉर लूप में ही डाल दिया, सेमी कोलन से वो इनिशियलाइजेशन खत्म हो गया, इनिशियलाइजेशन पार्ट। बेसिकली इनिशियलाइजेशन में आप एक से ज़्यादा चीज़ें भी कर सकते हैं इसीलिए हम, और एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो उसे हम कॉमा से सेपरेट करेंगे, और क्योंकि एक ही चीज़ है तो वो लिखा और उसके बाद हमने सेमी कोलन डाल दिया। सेमी कोलन बताता है कि इनिशियलाइजेशन पार्ट खत्म, नेक्स्ट सेमी कोलन ये बताएगा कि ये कंडीशन पार्ट भी खत्म। लास्ट हमें क्या करना है, जो हमारा काउंटर अपडेट हो रहा है उसे भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। सेम प्रोग्राम जो कि वाइल लूप से था, कोई हमने उसमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं की है, सब जो 3 चीज़ें थी उसे हमने उठा के एक ही जगह पे लिख दिया। सपोज इस बार मैं प्रिंट कराता हूँ सिर्फ 6, 1 2 3 4 5 6 डन, ओके। अब कुछ और चीज़ें, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे दो वेरिएबल ले रखे हैं, काउंटर और नंबर, क्या हम ये चीज़ बिना इनके भी कर सकते हैं, ये देखेंगे। दूसरा ये कि सपोज अब मुझे कुछ और प्रिंट कराना है, हमें 1 से लेके 10 तक या 1 से लेके n तक प्रिंट करना है, लेकिन द स्टेप ऑफ 2, फॉर एग्जाम्पल हमें सपोज प्रिंट करना है 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ये वाली सीरीज प्रिंट करनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो नंबर्स हमारे प्रिंट हो रहे हैं वो क्या हो, वो अब एक बार नहीं होते, वो 2 से आगे बढ़ रहे हैं। तो काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 2, ओके। अब इस प्रोग्राम को थोड़ा ध्यान से देखना है, इससे मिलता जुलता एक और प्रोग्राम करेंगे। मैं यहाँ पे अगर दूँ 7, तो क्वेश्चन ये है कि 7 तक प्रिंट होगा, या सपोज मैंने दिया 12, 12 तक प्रिंट होगा या 12 नंबर्स प्रिंट होंगे, राइट। तो देखो ये 12 तक प्रिंट होता है, 12 नंबर्स नहीं है, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 नंबर्स ही है, क्योंकि तो हमने कंडीशन ऐसा लिख रखा है कि जो काउंटर जो कि हम प्रिंट करा रहे हैं दैट शुड बी लेस देन नंबर, दैट इज 12। तो ये 12 तक जाता है और वहाँ पे रुक जाता है, नंबर ऑफ टर्म्स जो प्रिंट हो रहे हैं वो यहाँ पे काउंट नहीं हो रहा। सपोज अब मुझे ऐसा करना है कि मुझे 12 नंबर्स इस सीरीज में प्रिंट करने थे, इंस्टेड ऑफ 12 तक ही प्रिंट करने के, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 12 बार ये नंबर्स प्रिंट करने थे या 12 नंबर्स प्रिंट करने थे, राइट। अभी कितने प्रिंट हो रहे हैं, 6, मतलब मुझे 6 और प्रिंट करने हैं, इट शुड बी 13, 15, 17, 19, 21 एंड 23। तो ये 23 पे एंड होना चाहिए था 12 इनपुट करने पे। तो अब हमें इसी प्रोग्राम में कुछ चेंज करके वो अचीव करना है, ठीक। तो उसके लिए क्या करें, अब ये गलत नहीं है, अगर हमारा एम ही यही है कि हमें 12 तक ही ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं तो ये प्रोग्राम है, लेकिन अगर हमारा एम है कि हमें 12 ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं, शुरुआत के 12 ऑड नंबर्स, तो ये गलत है, ठीक।
ठीक, तो उसके लिए क्या करें, तो काउंटर वन, काउंटर लेस देन नंबर, काउंटर, हम यहाँ पे काउंटर ही प्रिंट करते हैं। ठीक है, काउंटर का यूज अगर हम नंबर्स के लिए प्रिंट कर रहे हैं तो ठीक है। तो अब आप एटलीस्ट, तो यहाँ पे एक तो बेसिक मैथ लगा देंगे, तो प्रिंट करते समय टू इंटू काउंटर माइनस वन। एक बार पहले रन करके देखते हैं। ओके, 21 तक प्रिंट हुआ, लेकिन जो बीच में गैप है वो 4 है, वो ये क्योंकि हमने काउंटर को यहाँ पे 2 से इंक्रीमेंट कर। ठीक है, तो ये शुरुआत के 12 ऑड नंबर्स, क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज हुई, पहले जो प्रोग्राम यहाँ पे देखा इसने 12 पे 21 तक तो प्रिंट किया, लेकिन सिर्फ वहां उसने भी 6 ही प्रिंट किया, और उसका मैंने यहाँ पे लॉजिक दिया कि मैंने +2 कर रखा था, उसकी जगह +1 कर दिया और वो सही हो गया। तो अब तुम्हें क्या करना है कि इस चीज को एनालाइज करना है कि ऐसा क्या था, रीजन क्या है इसके पीछे, कि +2 में क्या हो रहा था और अब जब हमने +1 किया तो क्या हुआ जिसके कारण ये प्रोग्राम सही काम करने लग गया, राइट। तो एक छोटा सा एनालिसिस जो तुम्हें करना है, अगर समझ में नहीं आया तो फिर मैं बाद में वापस एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एक बार ट्राई करना इसे एक्सप्लेन करने की, इसे समझने की। ओके, व्हाट एल्स, वेरिएबल्स कम किए जा सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, लेकिन है, राइट। नेक्स्ट, सपोज एक और प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम एक मल्टीप्लीकेशन टेबल प्रिंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, 2 का टेबल, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, एंड सो ऑन। तो उसके लिए हमें ये तो चाहिए ही बेसिक, तो हम एक बार इसी चीज़ को कॉपी करके, नंबर इनपुट कराना है हमें, और प्रिंट क्या कराना है, प्रिंट कराना है कि नंबर, कब तक काउंटर रहेगा, काउंट मतलब हर एक टेबल, सपोज हम 10 तक प्रिंट करना चाहते हैं तो एक चीज हमें रिपीट करनी है 10 बार, तो इसीलिए हमने इसे लिखा काउंटर वन से स्टार्ट हो रहा है और वो 10 तक जा रहा है, और काउंटर वन से ही इंक्रीमेंट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, नंबर इनटू काउंटर। तो ध्यान से देखो, हमने एक नंबर इनपुट कराया और उस नंबर को ही हम बार बार, एक मल्टीप्लीकेशन इज व्हाट, एक नंबर इंटू वन, नंबर इंटू टू, नंबर इंटू थ्री, नंबर इंटू फोर, तो ये चीज़ बार बार हमें रिपीट करनी है, नंबर इंटू आगे वाली चीज़ ही चेंज हो रही है, दैट इज इनके इन दिस केस हमने जो काउंटर रखा है जो 1 से लेकर 10 तक अपडेट हो रहा है, हम उसी को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इस वेरिएबल का नाम नम है। ओके, लेट्स सपोज अपन ने डाला 4। ओके, ये एक्चुअली प्रोग्राम ही हम गलत कंपाइल कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। फोर का टेबल, तो 4, 8, 12, 16 up to 40 इसमें प्रिंट कर दिया, दैट इज द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 4। आई होप दैट इज क्लियर। अब इसको अच्छे फॉर्मेट में प्रिंट करना है तो भी वो कोई बड़ी बात नहीं है, सपोज हम चाहते हैं कि 4 × 1 = 4 ऐसे प्रिंट हो, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। क्या करना है, एक नंबर, नंबर के बाद मल्टीप्लीकेशन साइन, उसके बाद वापस एक नंबर उसका प्लेस होल्डर, उसके बाद इक्वल टू का साइन, उसके बाद वापस एक नंबर, राइट। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, नंबर, फॉर एग्जाम्पल योर नंबर। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, प्रिंट, इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद नंबर इनटू काउंटर यानी कि रिजल्ट। ओके, तो एक बार वापस इसे कंपाइल, वापस रन, सेम 4 का टेबल, और ये हमारे उस फॉर्मेट में प्रिंट हो गया जिसमें हमें करा। तो दिस इज व्हाट मल्टीप्लीकेशन टेबल इज, आई मीन इस तरह से हम उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं।
तो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं लूप में प्रिंट करना, और फिर नेचुरल नंबर्स, और ये सीरीज हमने देखी ली कौन सी सीरीज हमने यहाँ पे प्रिंट कराई एट द एंड, सिर्फ ऑड नंबर्स की कराई। इसी तरह से आप सिर्फ इवन नंबर्स की भी करा सकते हो, ठीक है। आप एन तक प्रिंट कर सकते हो और फर्स्ट एन भी प्रिंट कर सकते हो, मतलब आपने अब एग्जाम्पल देखा कि हमने 23 तक या 12 नंबर्स या 12 ऑड नंबर्स हमने प्रिंट करे और 12 तक ऑड नंबर्स हमने प्रिंट किए, दोनों केसेस देख लिए हमने। उसके बाद जो नेक्स्ट हमने देखा ये कैसे एक मल्टीप्लिकेशन टेबल हम प्रिंट कर सकते हैं। तो इन प्रोग्राम्स को वापस ट्राई करना, प्रैक्टिस करना है। और जो मैंने बताया था एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि इसमें ऐसा क्या हुआ था कि प्लस टू करने पे कुछ और हुआ और प्लस वन करने पे कुछ और हुआ, तो विथ प्रॉपर रीजंस उसका देखो, एनालाइज करो, और कुछ प्रॉब्लम होती है उसमें, कुछ समझ में नहीं आता है, देन वील डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।